अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश और दुनिया का प्रसिद्ध गीत तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे के लेखक एवं संगीतकार इदरीस निजामी ने भारत के प्रधानमंत्री से ये मांग किया है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तथा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए मुस्लिम सूफी संतों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी मांग में ये भी कहा है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे को अदालत द्वारा हल करा दिया गया है, इसलिए अब आपके जो भी नेता मस्जिद मंदिर की बात करते हैं उस पर लगाम लगाते हुए अपने सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दें कि वे कछौछा शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत मोइन मियाँ अशरफ जैसे सूफी संतों के साथ बैठक करें। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी, इस्लाम जिमखाने के प्रेसिडेंट यूसुफ आबरानी जैसे दानिश्वरों के साथ बैठक करें और उन्हें विश्वास में लेकर काम करें ताकि पूरी दुनिया में भारत की छवि और भी सुंदर हो। दोस्तों, इदरीस निजामी ने इसी तरह से बहुत सारी मांगें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। आइए एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से और क्या कुछ कहा है। भारत के प्रधानमंत्री यानी जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने आपसे हमेशा मांग की है और अर्ज किया है कि भारत का मुस्लिम आपसे बहुत प्यार करता है। 2014 में आपको सपोर्ट भी किया, आपसे प्यार भी किया और आपको वोट भी दिया। 2019 में आपको सपोर्ट भी किया, आपसे प्यार भी किया, आपको वोट भी दिया। जब विधानसभा के दीगर सूबों में, उत्तर प्रदेश के सूबों में और दीगर सूबों में जब चुनाव होते हैं तो हमको खूब मालूम है कि अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री हजरात को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी, आपको मुसलमानों ने सपोर्ट भी किया है, प्यार भी किया है और वोट भी दिया है। आली जनाब प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, हमने आपसे गरीबों के लिए राशन की मांग की, आपने मंजूर फरमाया। और आली जनाब योगी जी आदित्यनाथ जी ने एक साथ 18 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया। ये तो जिसके पेट में जाएगा वो तो गुनगाएगा। तो हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि भारत के जो सूफी हैं, भारत के जो संत हैं, दरगाहों के सज्जादा नशीन हैं, उन्हें आप बुलाइए, उनके साथ मीटिंग कीजिए। आप किसी की बातों में ना आए, आपसे जो बहुत ज्यादा चापलूसी की बातें करते, ये है तो वो है ना, ये है ना वो, कुछ है ही नहीं। सब भारतीय हैं और भारत से प्यार करते हैं। अभी ये मंदिर मस्जिद ये सब हो चुका है, ये हो गया है और हम दुआ करते हैं कि सुकून से मंदिर अयोध्या का बहुत खूबी से बन जाए। ये तो अदालत ने कह दिया है, सबको मंजूर हो गया है। अब ये मंदिर मस्जिद इस तरह की बातें ना करें। जो आपके भाजपा में लोग आए शाए ये हिंदू मुस्लिम करते, उन्हें मना करिए और आप मुसलमानों से बात करिए। सभी मिनिस्टर्स को आपने आदेश दिया है जिंदाबाद जिंदाबाद के मुसलमानों के करीब जाएं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे हमेशा भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता समिति के नेशनल प्रेसिडेंट इदरीस निजामी ने मांग की है कि मुसलमानों से संपर्क कीजिए। आप जरूर सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ को बुलाइए, आली जनाब सैयद मुइनुद्दीन जी को बुलाइए, आली जनाब दरगाह शरीफ के जो सज्जादा नशीन है उन्हें सबको बुलाइए, हाजी अली से बुलवाइए। आपकी जिंदगी में, आपकी पार्टी में चार चांद लगेंगे। मुसलमान आपकी तारीफ करता है, मुसलमान आपको चाहता है, आप किसी के बहकावे में ना आए। जल्द से जल्द सभी मुख्यमंत्रियों को आदर दें कि अपने अपने सूबों में जो आला दर्जे के सूफी हैं, संत हैं,
बड़ी बड़ी संस्थाओं के हैं। हम तो 24 घंटे आपका ही जिक्र करते हैं। हमें तो आयशा के फूल भी आते हैं कि बहुत नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ करते हो, उनसे मांग करो ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमको मालूम है, हमको हमसे पूछो कि हम पर क्या गुजरती है, हमसे क्या देश के लोग कहते हैं। आप जो अक्षरान काम कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कमाल है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी देश के जहां आपकी सरकारें हैं, सबसे कहिए, मुख्यमंत्रियों से कहिए कि मुसलमानों से संपर्क करें, और आप जरूर 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 दरगाहों के सज्जादा नशीनों को बुलाइए, अजमेर शरीफ से बुलाइए, दिल्ली में निजामुद्दीन से बुलाइए, कशोशा शरीफ में हजरत मुइनुद्दीन अशरफ साहब पीर साहब हैं, वो आजकल आल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा के पूरे देश के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे लोगों को बुलाइए। दिल्ली से सिराजुद्दीन कुरैशी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, आल इंडिया जमीतुल कुरैश के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें बुलाइए। बम्बई से यूसुफ अब्रानी जो इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें बुलाइए। ऐसे लोगों को बुलाइए तो पार्टी चार चांद लगेंगे, खुशबू पैदा होगी, फूल बरसेंगे। प्रधानमंत्री गौर से हम पीएमओ के सभी अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि ये हमारा वीडियो प्रधानमंत्री जी को फौरन सुनाया जाए। हम पीएमओ में भी भेज रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी को भी भेज रहे हैं, और जो दीगर मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी भेज रहे हैं, आपके मिनिस्टरान केंद्र को भेज रहे हैं, आली जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के इलेक्शन में 2014 में भी हम गए, 2019 में भी हम गए। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को हम जब से जानते हैं कि जब वो कानपुर में पढ़ते थे, तब से जानते हमारा प्यार था, है, रहेगा। जब विधानसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए थे तो एडवोकेट शैलार जी के यहाँ हम गए थे, अच्छे शैलार जी के इलेक्शन में बांद्रा में हम कितने दफा गए। इसी तरह से जब आपका शिवसेना और बीजेपी लड़ रही थी तो अजीत ठाकरे कुछ में मर नहीं गए हम, तो अमीन पटेल कांग्रेस से लड़ रहे थे तो नागपाड़ा में थे हम, अबू आसिम आजमी जी गोंडी से सपा से लड़ रहे हम, उसमें भी गए। खुदा के करम से जहाँ जहाँ हम गए वो सब जीते। वर्षा गायकवाड़ साहिबा जो है धरारी से मिले हैं, तकरीबन 5-6 दफे हो चुकी हैं, उनके वालिद के जमाने से हमारा रिश्ता था, हम उसमें भी गए। हम अच्छे लोगों के लिए थे, हैं, रहेंगे, किसी पार्टी से हम नहीं हैं। भाजपा ने हमें 99 में राजनीति उत्तर प्रदेश बनाया, आली जनाब गुप्ता जी ने, आली जनाब राजनाथ सिंह साहब ने, उसके बाद अखिलेश जी आए, उन्होंने भी राजनीति का दर्जा दिया, मायावती जी ने भी दिया, हमें शिवराज सिंह चौहान साहब ने 2014 में राजनीति का दर्जा दिया। वसुंधरा राजे जब उत्तर मध्य राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने हमें बड़ी सहूलियत दी। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि देश के कलाकारों को, देश के शायरों को, देश के संगीतकारों को आप जरूर मीटिंग में बुलाइए, हम सब उसका इंतजाम करेंगे, सबको बुलाएंगे, और प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आएंगे और सबको बुलाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, आपकी सरकार में चार चांद लगे, ये दुआ है ख्वाजा हिंद इदरीस निजामी की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।